सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। भारत के जितने बहुजन, मूल निवासी, शोषित, दलित, अर्जक, दबे, कुचले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड या जो अलग अलग क्षेत्रों में क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में रहते हैं, वो ये सारे के सारे लोग समण लोग हैं। और इनकी जो पहचान है, इनकी जो नेशनलिटी है, इनकी जो आइडेंटिटी है पुरानी, वो समण की रही है। समण इसलिए क्योंकि समता में रहने वाले, समान रूप से एक दूसरे को खाना देने वाले, एक दूसरे की समान रूप से रक्षा करने वाले ये लोग हुआ करते थे। इसलिए ये सब समण थे। वम नहीं था इनमें कोई, यानी विपरीत नहीं था, विपरीत विचारधारा का नहीं था, इनमें कोई वमण नहीं था। वमण लोग बाद में बाहर से आए। इसलिए ये जो पहचान बार बार जो बताई जाती है, जैसे शब्द बना बहुजन, ये नया शब्द है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोका अनुकंपाय। बुद्ध ने ऐसा कहा भिक्कुओं के लिए कि भिक्कुओं जाओ, बहुजनों की सेवा करो, बहुजनों पे कृपा करो, बहुजनों को सिखाओ, बहुजनों को पढ़ाओ और लोक का हित करो। तो इसलिए कहा गया क्योंकि बहु का मतलब होता है बहुत सारे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बुद्ध ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अनुकंपा करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा का लोग है क्योंकि सारे लोगों पर एक साथ नहीं कर सकते, सारे लोगों को एक साथ नहीं इकट्ठा कर सकते, सारे लोग एक साथ नहीं आते, पर अधिकतर लोग आ जाएं। तो ऐसी भावना के साथ में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय बोला गया कि बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए जाना है। वहाँ से ये शब्द लिया गया बहुजन, और बाद में इसकी एक राजनीतिक पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन शब्द जो बोला जाता है उसमें सभी तरह के लोग आते हैं जो ज़्यादा हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो बहुजन बोला है उसमें समण भी आते हैं और वमण भी आते हैं, दोनों तरह के लोग आते हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बहुजन में सिर्फ समण आएंगे, बुद्ध ने ये कहा है कि जो लोग मिले उनमें ज़्यादातर लोगों का हित करना है, ज़्यादातर लोगों का सुख करना है। इसलिए बहुजन में कोई ये कहता है कि सिर्फ समण होंगे या दलित होंगे या SC ST OBC होंगे, गलत है। बहुजन का मतलब है किसी भी प्रकार के लोग हों पर वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए। और चूँकि शब्द बुद्ध से लिया गया है, इसलिए बुद्ध ने समणा और वमणा दोनों को ही बहुजन में काउंट किया है। ये जो शब्द है ये संख्यावाचक गुणवाचक शब्द है, पर यह आइडेंटिटी नहीं बताता, ये पहचान नहीं बताता कि पहचान क्या है। दूसरा शब्द आता है दलित। ये दलित शब्द है, ये नया शब्द है, पुरानी भाषा में दलित नहीं मिलता। दलित अभी का है। दलित का मतलब कुछ लोगों ने दबा कुचला बोलते हैं, पर दलित का मतलब दबा कुचला कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बहुत नया शब्द है। और जो अर्जक है, अर्जक का मतलब जो अर्जित करता है, जो पैदा करता है, यानी श्रमिक टाइप का है, लेबरर है। तो सारे लोग यहाँ अर्जक या पैदा करने वाले नहीं हुआ करते थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे, या सेनापति भी हुआ करते थे, या विश्वगुरु भी हुआ करते थे, या दार्शनिक भी हुआ करते थे, या बुद्ध जैसे महासमण और महावीर जैसे महासमण भी हुआ करते थे, जो विश्वगुरु या दर्शन देने वाले लोग हुआ करते थे। यहाँ बहुत सारे संत भी हुए हैं जो समण संत हुए हैं। इसलिए ये कहना कि अर्जक सारे लोग हैं, ये गलत शब्द है। जो मूल निवासी शब्द अभी बोला गया है कि मूल निवासी शब्द का SC ST OBC के लिए उपयोग करते हैं, ये शब्द भी आपकी सही पहचान नहीं बताता, क्योंकि मूल निवासी का एक लाइन होती है कि आप कब से किसको मूल निवासी मानते हैं। जब आपका साहित्य नहीं है, जब कोई आंकड़ा नहीं है, जब कोई रजिस्टर नहीं है, जब कोई जनसंख्या रजिस्टर नहीं है, तो आप सिर्फ DNA के आधार पर यह कहोगे कि ये बाहर का व्यक्ति है और ये अंदर का व्यक्ति है। तो DNA को चेक करने का जो राइट है, और इतने सारे लोगों का DNA चेक करने का है, वो कभी फलीभूत नहीं हो सकता, उसका कभी परिणाम नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का DNA चेक करके नहीं बता सकते। इसलिए कौन मूल निवासी है और कौन यहीं का वासी है, ये बताने में कठिनाई हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पर ये आइडेंटिटी नहीं काम करती। पर समण शब्द काम कर सकता है, क्योंकि समण शब्द वो है जो लोग समता में रहने वाले हैं, और समता में रहने वाले सारे के सारे लोग भारत के मूल लोग हैं, भारत के ओरिजिन लोग हैं। और जो वमता में रहने वाले हैं, जो वमण हैं, और जो विषमता में रहने वाले हैं, जो विश्व में रहने वाले हैं, जो विश्व के अणु हैं, वो सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि
समणों ने उनको वमण का नाम दिया है। समणों ने ही बाहर के लोगों को कहा है कि ये वम लोग हैं, विपरीत लोग हैं, हमारे विपरीत विचारधारा के लोग हैं, हमारे विपरीत रंग के लोग हैं, हमारे विपरीत कठखादी के लोग हैं, हमारे विपरीत रहन सहन के लोग हैं, हमारे विपरीत खान पीन के लोग हैं, हमारे विपरीत शक्ल के लोग हैं, हमारे विपरीत रंग रूप के लोग हैं, हमारे विपरीत क्रियाकलाप के हैं और हमारे विपरीत विचारधारा के लोग हैं और हमारे विपरीत बाहर से आए हुए अलग दिशा से विपरीत दिशा से आए हुए लोग हैं। इसलिए उनको वम कहा क्योंकि वो वमती थे, विपरीत थे, उल्टे थे, उलट थे। इसलिए भारत के अंदर समण आइडेंटिटी सबसे बेहतरीन आइडेंटिटी है जो कि सबसे पुरानी है, क्योंकि बुद्ध भी महासमण थे, महावीर जैन भी महासमण थे, सम्राट अशोक भी समण थे और जितने संत हुए हैं अभी तक समणों के वो सारे संत थे और भारत के अधिकतर लोग आज भी समण हैं, जिनको शिरमण कहा जाता है। शिरमण और समण एक ही शब्द हैं। समण पाली में बोलते हैं और शिरमण उसको संस्कृत भाषा हिंदी में बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक शिरमण संस्कृति के और एक ब्राह्मण संस्कृति के। शिरमण संस्कृति यानी समण संखति और ब्राह्मण संखति यानी वमण संखति। संघंग नमामि, संघंग नमामि, संघंग नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sorry.